हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक और परमानेंट सरकारी नौकरी लेकर आ चुका हूं। जी हाँ, यह बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है, क्योंकि पूरे भारत से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। सबसे अच्छी बात इसका जो है, एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दिया गया है, साथ ही एडमिट कार्ड डेट भी यहां पे डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कब तक आप लोग फॉर्म भरोगे, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका एग्ज़ाम कब होगा, सब कुछ फुल नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है। जी हाँ, जिपमेर नर्स भर्ती 2024। तो दोस्तों, जिपमेर की तरफ से 209 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर, एक्सरे टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर, फार्मासिस्ट एंड वेरियस पोजीशन ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पदों पर परमानेंट भर्ती आ चुकी है। फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑल इंडिया भर्ती है, पूरे भारत से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। परमानेंट सरकारी नौकरी, जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम आप लोगों का 14 सितंबर 2024 को होगा, और आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है 2 सितंबर 2024 को जारी किया जाएगा, और आप लोग जो हैं इस फॉर्म को जो है 19 अगस्त 2024 तक भर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है, जिपमेर की तरफ से 209 पदों पर यह वैकेंसी है, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पे निकाली गई है। तो चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं डायरेक्ट यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन पर, बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में, वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में, एप्लीकेशन फीस के बारे में, इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, और एज क्राइटेरिया के बारे में, बाकी सिलेबस और एग्जाम सेंटर की वीडियो अलग से आएगी। क्लियर हो चुका है, नो डाउट। चलिए आपको लेके चलते हैं फुल नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों, आपको जाना है गूगल पर, और जैसे आप लोग गूगल पर जाओगे, यहाँ पर आपको जिपमेर सर्च करना है। जैसे आप लोग जिपमेर सर्च करोगे, यहाँ पर देखिए वेबसाइट ओपन हो चुका है, बिल्कुल नंबर वन पहली वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे जॉब्स का ऑप्शन है, अनाउंसमेंट का ऑप्शन है, अनाउंसमेंट वाली ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे, नई पेज ओपन हो जाएगी, वेरीफाई करिए, जिपमेर का जो है अनाउंसमेंट पेज है और बिल्कुल ऑफिशियल पेज है। इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग इस पेज पर आ सकते हो। जैसे आप लोग इस पेज पर आओगे, तो अभी देखोगे यहाँ पे आप लोग नीचे देखोगे 19 जुलाई 2024 को जो है आप लोगों का वेरियस ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर जिपमेर पुदुचेरी की तरफ से निकाली गई है। तो जिपमेर पुदुचेरी जुलाई 2024 के लिए ग्रुप बी एंड ग्रुप सी परमानेंट भर्ती आ चुकी है। 209 पदों पर ये वैकेंसी 19 जुलाई को निकाली गई है। जॉब्स यहाँ पे देख सकते हो शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए डिटेल में जो है वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, और न्यूज़पेपर की जो है विज्ञापन कटिंग दी गई है, और अप्लाई ऑनलाइन लिंक यहाँ पे दिया गया है। अगर आप लोग फॉर्म को भरने वाले हो, तो अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है, नई पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगी, यहाँ से आप लोग फॉर्म को जो है भर सकते हो, यहाँ से ऑनलाइन आप लोग फॉर्म को जो है भर सकते हो। क्लियर हो चुका है, जी हाँ। इसके बाद आपको बैक आना है, और यहाँ पे डाउनलोड 1.18 MB, इस पर आप लोग क्लिक करके डिटेल फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग इस पेज पर आके फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके सारी जानकारी देख लो, और इसके बाद ही आप लोग फॉर्म भरिए। आप लोग देखिए, आपके सामने फुल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो जुलाई 2024 जिपमेर पुदुचेरी से वैकेंसी बिल्कुल ऑफिशियली रिलीज कर दी गई है। यहाँ पे देखिएगा तो 19 जुलाई ऑनलाइन शुरू हो चुकी है, और आप लोग 19 अगस्त शाम को जो है 4:30 PM फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद आप लोगों का हॉल टिकट जारी किया जाएगा, जो कि ऑनलाइन मोड में ही आप लोगों का हॉल टिकट एडमिट कार्ड 2 सितंबर 2024 को जारी किया जाएगा, और फिर आपका ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा, CBT मोड में आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम आप लोगों का 14 सितंबर 2024 को एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे देखिए जिपमेर पुदुचेरी से वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें ग्रुप बी की वैकेंसी है, और यहाँ पे देखिए जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की एक वैकेंसी, जूनियर OT की यहाँ पर एक वैकेंसी, MLT की यहाँ पर 4 वैकेंसी, नर्सिंग ऑफिसर की 154 वैकेंसी,
ट्यूटर की यहाँ पे वन वैकेंसी, एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी की वन वैकेंसी, एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो यहाँ पे देखिए रेडियो डायग्नोसिस की यहाँ पे 5 वैकेंसी, एंड टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पे 1 वैकेंसी फिजियोलॉजी की है, और टेक्निकल असिस्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन की 1 वैकेंसी, ग्रुप बी की जो है 169 वैकेंसी है। चलिए अब ग्रुप सी की पोस्ट यहाँ पे देख लेते हैं, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी, आइडियोलॉजी टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की 24 वैकेंसी, फार्मासिस्ट की यहाँ पे 6 वैकेंसी, रिस्पायरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 2 वैकेंसी, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की यहाँ पे 1 वैकेंसी, और कार्डियोग्राफिक टेक्नीशियन की 5 वैकेंसी। टोटल ग्रुप सी की जो है 40 वैकेंसी है, और ग्रुप बी की जो है 169 वैकेंसी है। टोटल जो है 209 पदों पर जिपमेर पुदुचेरी की तरफ से परमानेंट भर्ती निकाली गई है। अभी आप लोग क्वालिफिकेशंस को चेकआउट कर लेना, जो जो इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है मैं बता दूंगा, बाकी आप लोग खुद देख सकते हो। क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए अगर आपने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है, पोस्ट सर्टिफिकेट बीएससी या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा है, बिल्कुल फ्रेशर फॉर्म भर सकते हो, पूरे भारत से आप लोग फॉर्म भर सकते हो, आईएनसी है या एसएनसी है तो भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने जीएनएम कर रखा है, आपके पास है मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो जीएनएम के पास 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल का होना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। लेवल 7 के तहत यहाँ पे सैलरी दी जाएगी, 7 सीपीसी के तहत सैलरी दी जाएगी, और आपकी जो बेसिक सैलरी रहेगी 44,900 रुपये रहेगी। इसमें एज क्राइटेरिया अप टू 35 ईयर्स रहने वाली है, बाकी ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी और एससी एसटी वालों को 5 वर्ष की छूट यहाँ पे दी जाएगी। नीचे देखिए ट्यूटर की यहाँ पे क्वालिफिकेशंस देख लेना, एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी इसमें रेडिएशन टेक्नोलॉजी में अगर आपने बीएससी कर रखा है, या फिर रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी में अगर आपने बीएससी कर रखा है, फॉर्म भर सकते हो। लेवल 6 के तहत सैलरी मिलेगी, अप टू 30 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस की यहाँ पे वैकेंसी, जिसमें भी रेडियोथेरेपी या मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में अगर आपने बीएससी कर रखा, फॉर्म भर सकते हो। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म भर पाओगे। बाकी बहुत सारे यहाँ पे पोजीशंस है, क्वालिफिकेशन दिए गए हैं, आप लोग देख लो। अगर मैं सभी का क्वालिफिकेशन बताऊँगा तो आधे घंटे की वीडियो बन जाएगी। बाकी मैंने वेबसाइट का लिंक नीचे वीडियो में दे दिया है, आप लोग सारी जानकारी ले सकते हो। फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, और फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आपने फार्मेसी में जो है डिग्री ले रखा है और आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस है, फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने फार्मेसी में डिप्लोमा कर रखा है, डी फार्मा कर रखा है, तो 2 साल का एक्सपीरियंस है, फॉर्म भर सकते हो। यानी कि जो बी फार्मा कर रखे हैं उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए, और जो डी फार्मा कर चुके हैं उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए फॉर्म भरने के लिए। लेवल फाइव के तहत सैलरी मिलेगी, अप टू 30 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया है, बाकी ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी सभी पोजीशन में, और एससी एसटी वालों को 5 वर्ष की छूट यहाँ पे दी जाएगी। यहाँ पे देखोगे तो यूआर कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम यहाँ पे परसेंटाइल मांगा गया है, सीबीटी मोड में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें कम से कम 50% होना चाहिए यूआर कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए। इसके अलावा यूआर कैटेगरी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी के लिए 45 और एससी एसटी ओबीसी के लिए कम से कम 40% होना चाहिए। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी परसेंटाइल है ये मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है या मिनिमम क्वालिफाई परसेंटाइल है या परसेंटेज है। इससे कम परसेंटेज या परसेंटाइल लेके आओगे तो डिसक्वालीफाई कर दिए जाओगे। बाकी जो स्किल टेस्ट, जैसे स्टेनोग्राफर इसमें स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट के लिए भी मिनिमम एलिजिबिलिटी परसेंटेज है, चेकआउट कर लो। बाकी जब सिलेबस और एग्जाम सेंटर की वीडियो आएगी उसमें इसकी जानकारी मैं आपको दे दूँगा। नीचे आइए, एज क्राइटेरिया के बारे में जानकारी दी गई है, उसे आप लोग पढ़ सकते हो। चलिए एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी मैं बता दूँ, 19 अगस्त 2024 आपकी एज यहाँ पे काउंट की जाएगी। जो कट ऑफ डेट है, जो क्रूशियल डेट है, ये 19 अगस्त है। 19 अगस्त से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, 19 अगस्त से पहले आपकी जो है एज काउंट भी की जाएगी। बाकी चलिए एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं, बाकी अन्य जो जानकारी होगी मैं अलग वीडियो में आपको दे दूँगा। एप्लीकेशन फ़ीस देखोगे
यूआर कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज लगेंगे, ओबीसी के लिए 1500 रुपये फ़ीस प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज लगेंगे एक्स्ट्रा, एंड एससी एसटी के लिए 1200 रुपये फ़ीस प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज अलग से लगेंगे। धन्यवाद।